जय भोले महादेव शंभो। हेलो दगड़ियो, आज हम हैं मोहनखाल के जंगलों में। तो आज हमारी यात्रा का शुभारंभ यहीं से होता है। रात को हमने नाइट स्टे किया था यहाँ पे फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस में। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर रही। और अब हम निकलते हैं यहाँ से कार्तिक स्वामी के लिए। और हमारे साथ मैं मिलाना चाहूँगा सबसे पहले यहाँ पर हमारे सूरज भाई जी। रास्ते में भी ये मिलते रहेंगे हमारे राहुल भाई जी। और ये हमारे प्रमुख साहब हमारे प्रदीप भाई जी, ये भी आपको गाइड के रूप में मिलते रहेंगे। और हमारे सबसे वरिष्ठतम अधिकारी महोदय, जिनके मार्गदर्शन पर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रेरणा स्रोत हमारे अधिकारी जी, आर्मी से ये जो हैं। हेलो भाई साहब, हमारे बड़े भाई साहब। तो अब ऐसा है कि यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और ये अब गाड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। और ये व्यू आप देख सकते हैं, रात को हमने ये स्टे किया था आनंद लेते हुए संगीत का। तो अब हम निकलते हैं। यहाँ से हम प्रस्थान कर चुके हैं, पैदल मार्ग शुरू हो चुका है कार्तिक स्वामी मंदिर के लिए। इस तरफ है क्या? यह पार्किंग थी हमारी और ये पानी भरते हुए हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब। और इस तरफ से रास्ता कार्तिक स्वामी मंदिर का, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे घोड़ों की व्यवस्था भी है। यह है कनक चोरी। कार्तिक स्वामी मंदिर समुद्र तल से 23.93 मीटर और यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर पैदल रास्ता। वो सामने दिख रहा है उस धार में कार्तिक स्वामी मंदिर और बीचों बीच। और हमारे मित्र लोग चलते हुए और यहाँ पे से लगभग 3.5 किलोमीटर के का रोप वे। अभी काम तो यहाँ पे दिख नहीं रहा चलते हुए, लेकिन भविष्य में यहाँ पे एक रोप वे बनने का। देख सकते आप काफल का पेड़ पर कच्चे हैं काफल इस पे लगे हुए। वो जगह पर यहाँ पर जो है चूड़ियाँ बिंदी पेड़ पर रखी हुई हैं, लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं बिंदी उपाल। अरे सूरज भाई
कहते हैं प्राकृतिक सुंदरता है नेचर। वाह क्या रास्ता है, यहाँ तो कोई भी आसान भाई है, बड़ा अच्छा है भाई। घनघोर जंगल के बीच शीतल शीतल मंदिर अलग चीज है, उसे वायु को पर्यटक प्लस मंदिर करना है तो ये देखो। बिल्कुल बिल्कुल हमारे दोनों चीजों का फौजी सर कुछ कहना चाह रहे हैं और प्रकृति का फायदा उठाना है तो वो इस जगह आए। बिल्कुल जिसको सुंदरता है प्रकृति का, अध्यात्म का और दोनों चीजों का जो है लुत्फ उठाना है तो आप ऐसे स्थलों पर आ सकते हैं। पर्यटक स्थल बोले या है ना मंदिर बोले, धर्म स्थल चमोली और रुद्रप्रयाग के लगभग बीच में पड़ता है। प्रकृति की सुंदरता देखनी है और बायोडाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं अगर वो देखना है तो जैव विविधता। बिल्कुल तो आप एक बार जिंदगी में जरूर एक बार लगे पाए, एक बार हाँ एक बार जिंदगी में एक बार कम से कम। बिल्कुल और वैसे भी अगर आप एक बार आ जाओ तो तब तो आपको प्रकृति अपना आप ही खींच लेगी। सही बात है बिल्कुल हाय असीम सौंदर्य, क्या बात है मजा आ गया। हवा ना हवा ठंडी ठंडी करें विश्राम स्थल यहाँ पे बनाए गए हैं यात्रियों के लिए। यहाँ से भी सीधा सीधा है सीधा सीधा मंदिर मार्ग और आपको दिखाते हैं फर्स्ट क्लास व्यू सुंदर। हाय भोले भोलेनाथ शिव शंभु महादेव। सुंदर नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए हमारे साथी लोग और ये सामने व्यू दिख रहा है मंदिर को हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधा सीधा है टायर लगे हुए हैं ये वाले लॉक वाले। ये होंगे यहाँ पे होटल वगैरह खाने पीने के रहने के। ये होम स्टे बने हुए हैं यहाँ पे, ये लास्ट चढ़ाई है और ये ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज चौपर की जो कि बद्रीनाथ यात्रा के लिए लगे होंगे आजकल काफ़ी सुनने को मिलती है इस घाटी में। तो बस सामने ही दिख रहा है कार्तिक स्वामी मंदिर। ये बोले हाय ये सामने पोखरी जबरदस्त
ये बहुत ही बढ़िया स्थान लग रहा है मुझे बंजी जंपिंग के लिए। और देख सकते हैं पत्थर जो आया हुआ है इसके नीचे कुछ भी नहीं है और इतनी गहरी घाटी है, जबरदस्त तरीके से डर लग रहा है, आके घूम रही है यहाँ पे। चलो भाई साहब इसके लिए मंदिर सामने ही। हे पार्थ, कृपा करके जरा ऊपर जाएं और वहाँ से हमारी तस्वीर लें। सामने हमारे आ रहे हैं नीचे की तरफ से हमारे भक्तगण। जय हो भोले। मयूर वाहन, ये है मयूर वाहन, ये तो बाद में है। ये है मंदिर, कर्द के शिव मंदिर। तो ये है कार्तिक स्वामी मंदिर, रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है जो कि, और ये जो है रुद्रप्रयाग शहर से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित ये मंदिर है। और पौराणिक जो कथानुसार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि वे पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएं, और घोषित किया कि जो भी पहले चक्कर लगाकर यहाँ आएगा वह माता पिता की पूजा करने का प्रथम अवसर प्राप्त करेगा। तो गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके बोला कि यही मेरे ब्रह्मांड हैं, और उनको और प्रतियोगिता जीत ली। तो कार्तिकेय क्रोधित होकर अपनी हड्डियों को पिता को समर्पित कर देते हैं और मांस को माता को समर्पित कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो उन्हीं हड्डियों की पूजा होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कुछ हिमालयन पीक्स हैं विजिबल, यहाँ से अभी तो कोहरा लग गया है तो दिख नहीं पाएंगे ठीक से, वरना ये व्यू पॉइंट है यहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ देख सकते हैं अब मंदिर से हम आगे की ओर जा रहे हैं। इस धार के बारे में जो है हमको हमारे सूरज भाई, स्थाई निवासी सूरज भाई हमको बताएंगे। तो इस धार के बारे में वो कुछ कहना चाहते थे। तो सूरज भाई, इस धारे की मान्यता क्या है, आप क्या कहना चाहोगे? मंदिर एक टॉप की पहाड़ी पर और एक पीक पे, और यहाँ पे हम आ गए हैं थोड़ा सा मंदिर के जो है पिछले ओर, और यहाँ पे थोड़ा हम प्रकृति के नज़ारों का लुत्फ उठाएंगे और एक घाटी देखेंगे। हमारे भक्तगण अब ध्यान करेंगे, कोई लेटी हुई मुद्रा में, कोई बैठी हुई मुद्रा में, कोई देखती हुई मुद्रा में।